हार है मन के जीते, जीत उक्ति पर हम एक मौलिक कहानी पढ़ते हैं। संत कबीर ने सत्य कहा के मन के हारे हार है, मन के जीते जीत कह कबीर पिए पाइए, मन ही ते प्रतीत। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन में जय और पराजय मन की भावनाएं हैं। यदि मनुष्य मन से हार गया है, निराश हो गया है, तो पराजय है। तो यदि उसने मन को जीत लिया है तो वह क्या है, सबसे बड़ा विजेता है। ईश्वर को भी मन के विश्वास से ही हम पा सकते हैं। यदि प्राप्ति का भरोसा ही नहीं है तो हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इसका स्पष्ट अर्थ है कि यदि मन में दृढ़ संकल्प पक्का विचार है, आत्मविश्वास हो, तो कहीं भी विजय या सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस उक्ति पर आधारित कहानी इस प्रकार है। राजा सुजान सिंह भुवनगढ़ का प्रतापी राजा था, तेजस्वी राजा था। वह जब तक जीवित रहा तब तक पास के राज्य हनुमानगढ़ के किसी राजा की यह हिम्मत ना हो सकी कि भुवनगढ़ की ओर आंख उठाकर देख सके। समय पाकर सुजान सिंह का देहांत हो गया, मृत्यु होगी। सबसे बड़ा पुत्र होने के नाते जीवन सिंह को युवराज का पद प्राप्त था, अतः उसे ही राजा का उत्तराधिकारी मानकर राजसिंहासन सौंप दिया गया। उत्तराधिकारी वारिस मानकर उसको राजसिंहासन सौंप दिया गया। जीवन सिंह जो हाँ अपने पिता के विपरीत स्वभाव का था, उल्ट स्वभाव का था, उसमें वीरता, बहादुरी, साहस और विवेक की तो कोई कमी नहीं थी। विवेक मतलब वह बुद्धिमान तो था ही, परंतु वह राग रंग में अधिक व्यस्त रहना अधिक पसंद करता था। उसे सैन्य संचालन, सेना का संचालन, शासन का प्रबंध करना तथा न्याय व्यवस्था से कुछ भी लेना देना नहीं था। उसने इससे संबंधित सभी अधिकार जो है सेनापति, प्रधानमंत्री तथा महादंडाधिकारी को दे रखे थे। तो दंडाधिकारी, महादंडाधिकारी राजकीय अधिकारी जिसके सामने आपराधिक मामले जो है विचार और निर्णय के लिए उपस्थित किए जाते हैं। जब हनुमानगढ़ के राजा सूरज सिंह के गुप्तचरों ने उसे बताया कि जीवन सिंह के शासन में क्या कुछ हो रहा है, तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि अब उसके अच्छे दिन आने वाले हैं। उसने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, अब समय आ गया है कि भुवनगढ़ को अपने अधिकार में किया जाए, सभी तैयारियां डटकर होनी चाहिए। राजा सूरज सिंह ने दल बल के साथ आक्रमण किया, परंतु सेना पुनः जीवन सिंह की सेना से डरकर नदी से इस ओर भाग आई, तो राजा को बड़ा क्रोध आया। उसकी ओर ये चौथा आक्रमण था, हमला था। इससे पहले भी वह सुजान सिंह से 3 बार हार चुका था। उसने दृढ़ स्वर में सेनापति से कहा, इसमें घबराने की बात नहीं है, मेरा विश्वास है कि हम अवश्य सफल होंगे। राजा ब्रूस की कहानी मुझे अच्छी तरह से स्मरण याद है। कहने को तो राजा सूरज सिंह ने ये सब कह दिया, परंतु वास्तव में वह बहुत चिंतित था, परेशान था। उसे ये तो समझ में आ रहा था कि सुजान सिंह के ना रहने पर हार का क्या कारण है। राज पुरोहित ने कुछ पल सोचकर कहा, राजन, राजा, इसमें विचित्रता कुछ नहीं है। वास्तव में आपके सैनिक तथा आपकी सेना जो है शत्रु पक्ष से कहीं अधिक प्रबल बहादुर है, ताकतवर है, परंतु एक रुकावट दूर करनी होगी। तो राजा ने पूछा, वह क्या है? वह ये है कि आपकी सेना का मन क्या है, बुझा हुआ है। उसके मन में अतीत के शत्रु का आतंक बसा हुआ है, डर बसा हुआ है। उसे निकाल कर उसमें आत्मविश्वास भरना होगा, अपने पर भरोसा जो है करना होगा। यदि मन में विश्वास बढ़ा हुआ होगा तो आपकी सेना विजय होकर लौटेगी, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। इसके लिए एक युक्ति है कि अगले आक्रमण से पूर्व आप एक यज्ञ करवाइए, आपकी सेना के विभिन्न दलों के अध्यक्षों व सैन्यपतियों को न्योता दीजिए। यदि ये घोषणा कीजिए कि एक ज्योतिषी ने कहा है कि यदि इस बार आक्रमण करते समय हमारे सेनापति ने अपने ध्वज के स्थान पर घास का पुतला लेकर आगे बढ़ेंगे तो अवश्य हमारी विजय होगी। और ये भी कहिए कि पुतला मंत्रों द्वारा तैयार किया जाएगा। इससे क्या होगा ये कि इस युक्ति से राजा सूरज सिंह की विजय हुई। वह पुतला वास्तव में मन का विश्वास था जो खो चुका था। जैसा कि सूक्ति में कहा गया वैसा कहानी में पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है। किसी महान कवि ने सत्य कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। उत्साही को क्या करे गर्मी, वर्षा, शीत। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।